नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वच्छ इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। क्षेत्र के सी ब्लॉक में रहने वाले फर्जी अधिवक्ता विक्रम सिंह के घर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के शिकार हुए महिलाओं सहित आधा दर्जन लोगों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। वहीं धरने पर बैठे पीड़ित संजीव सिंह ने बताया कि डीआरडी के नाम पर फर्जी अधिवक्ता विक्रम सिंह सेंगर, जो कि अपने आप को इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील बताते हैं, फर्जी अधिवक्ता दस्तावेज दिखाकर शहर के आधा दर्जन महिलाओं सहित गैर जनपद में रहने वाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं, जिसमें रावतपुर, कल्याणपुर, पनकी निवासी सहित कई लोगों का लाखों रुपए लेकर वो लगभग 3 वर्षों से लोगों को बेवकूफ बनाकर चेक और कैश लेकर 1 करोड़ से ज्यादा की रकम इकट्ठा कर फरार चल रहे हैं। जी हाँ, इसकी सूचना पनकी में उनके घर पर आने के बाद लोगों को प्राप्त हुई। जब लोग उनके घर में अपने पैसों के बारे में जानकारी करने गए तो पता चला कि वो वहां से 3 दिनों से गायब हैं। तब से लोग उनके घर के बाहर ही अपना पैसा वापस मांगने की बात पर अड़े हुए हैं, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रशासन करता नजर नहीं आया है, जिस पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। अगर हमारा पैसा या फरार वकील की गिरफ्तारी नहीं होती है तो मजबूरन सामूहिक आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विक्रम सिंह सेंगर और पुलिस प्रशासन की होगी, ऐसा वहां पे धरने पर बैठे लोगों का कहना है। बता दें, इस दौरान धरने में विजय त्रिपाठी, प्रियंका त्रिपाठी, महेंद्र तिवारी, विजय देव चौरसिया, संजीव सिंह, संगीता, विमला देवी आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम अंजू त्रिपाठी है और अंजू त्रिपाठी है मैं यहाँ पे जमीन के लिए विक्रम सिंह सेंगर को 21 लाख रुपए दिए थे और इन्होंने हमको फ्रॉड कागज़ दिया है और फ्रॉड कागज़ देने के बाद इन्होंने हमें 15 लाख की चेक दी है, वो भी मैच नहीं करती है। और अगर हमें यहाँ से सरकार से कोई न्याय नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे। आप क्या चाहते हैं? आप विक्रम सिंह सेंगर गिरफ्तार हैं, ये आए और हमारा पैसा दे, बस हमें अपना पैसा चाहिए। क्या आप सरकार से मांग रहे हो यहाँ के क्या अपनी फसल? हम माननीय योगी नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी मदद करें और हमें न्याय दिलाएं, विक्रम सिंह सेंगर से हमारा पैसा दिलाएं। और नहीं तो अपना तीन दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई पुलिस कार्रवाई कोई नहीं हुई है। मेरा नाम संजीव सिंह है, मैं 1/114 अम्बेडकर फ्रॉम आवास विकास में रहता हूँ। क्या मामला है, क्या मांग है आपकी? हम लोग सब पीड़ित परिवार हैं। विक्रम सिंह सेंगर एक जो फर्जी अधिवक्ता है, हाई कोर्ट में डीआरटी इलाहाबाद का अपने आप को अधिवक्ता बताता है, इसने हम लोगों से 2021 से लेकर के अब तक कई करोड़ों रुपया ठगा है। हमसे 27,68,000 रुपया हमसे लिया है, जिसकी इसने हमको रिटर्न चेक दी है और रिटर्न लिख कर के दिया है कि हमने डीआरटी के लिए पैसा लिया था और सारा पैसा हमने 32 लाख रुपया इनको अकाउंट में दिया है, पूरा पैसा अकाउंट में दिया गया है और सारा का सारा पैसा, ये सारी चेकें बाउंस करा करके आज 2 महीने से अपना मकान बंद करके ये भाग गया है, इसका पूरा परिवार भाग गया है। और जो है अब इनकी माँ आज 5-6 दिन से आई हुई है और वो सिर्फ और सिर्फ सामान लेने आई हुई है और लेकर के भाग जाएगी और मकान बाहरी बाहर सेल कर देगी। हम सब इतने पीड़ित हैं, आज 4 दिन सर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, पुलिस प्रशासन का कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है कि जो मेरी बात सुनने वाला हो, कोई भी नहीं है, सब जो भी आता है उसकी बात कह करके चला जाता है और कहते हैं तुम लोग धरना प्रदर्शन ना करिए। मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश है कि आप एक ईमानदार और अच्छे मुख्यमंत्री हैं, अच्छा शासन चलाने वाले हैं, तो इन पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर में आप लोग सब कहाँ हैं, आपका प्रशासन कहाँ है, आप लोग क्यों नहीं न्याय दिला पा रहे हैं? आप इस अधिवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जो भी कार्रवाई करें, आप आज इतना 10-20 हजार रुपए के लिए आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और ये कई करोड़ रुपए लेकर के अपना गबन कर लिया है और सभी का
उनका अकाउंट में पैसा लिया है ज्यादातर लोगों का, और उसका खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, और वो आराम से घूम रहा है। उसकी माँ यहाँ पर जोमेटो से पिज्जा मंगा के खा रही है, उसको कोई परिवार नहीं है, और ये सब हम लोग मर रहे हैं। और अगर दो दिन में और कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ पर हम सब पेट्रोल डाल के आग लगा के मर जाएंगे, और इसकी जिम्मेदारी विक्रम सिंह सेंगर और कानपुर पुलिस प्रशासन की होगी। और ये पीछे बगल में पनकी थाना है, और थाने का कोई भी आदमी यहाँ करके न्याय दिलाने की बात नहीं करता, ना ही कोई आदमी सुन रहा है। कितने लोग इनके ठगी के शिकार हुए हैं, इसमें क्या कुछ महिलाएं भी हैं? महिलाएं हैं, ये ज्यादातर सब पारिवारिक महिलाएं हैं। ये हमारी प्रियंका जी है, ये अंजू त्रिपाठी जी है, और भी कई लोग हैं जो ये फर्जी के शिकार हुए हैं। चौरसिया जी है, विजय चौरसिया जी है, और उमेश यादव जी है लखीमपुर के। करीब 15 से 20 लोग हैं जिनका इन्होंने पैसा ले लिया है।